तो तीन चरणों के मतदान के बाद अब बारी है चौथे चरण के मतदान। 13 मई को देश चौथे चरण का मतदान डालेगा। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आप वोट डालने जाएं उससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें याद रखनी है। आपको याद रखना है कि ये केवल नई सरकार चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश में संविधान की रक्षा करने का चुनाव है, ये चुनाव देश में लोकतंत्र बचाए रखने का चुनाव है। आपके अधिकार, आपके हक, आपकी आजादी बचाए रखने का चुनाव है। इस चुनाव में एक तरफ नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 10 सालों में केवल आपको ठगा है और अब भी आपको हिंदू मुसलमान मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग, घर मकान की बातें कर गुमराह कर रहे हैं। आपको याद रखना है ये वही है जो 3000 महिलाओं का रेप करने वाले के लिए प्रचार करते हैं फिर उसे देश से भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है राहुल गांधी जो अपने हर भाषण में आपको शिक्षा, सुरक्षा और सुशासन की गारंटी दे रहे हैं। याद रखिएगा, भाजपा अगर सरकार में आई तो देश में बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और नफरत का आलम होगा। वहीं अगर देश में कांग्रेस की सरकार आई तो आपके बच्चों को ग्रेजुएट होते ही नौकरी मिलेगी, बेटियों को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण मिलेगा, किसानों की कर्ज माफी और MSP का कानून मिलेगा, मजदूरों को 400 रुपए मेहनताना मिलेगा। इसीलिए इस बार नफरत नहीं, न्याय चुनिए, क्योंकि यह हाथ ही आपके हालात बदलेगा।